आज इतने दूर करीब 2000 किलोमीटर तेलंगाना राज्य के पूरे ही विधायक, पूरे ही मंत्री और किसान बंधु जो संगठन है उसके सारे ही प्रतिनिधि इतने कड़ी धूप में दिल्ली क्यों आए हैं, क्यों आना पड़ा, क्या मजबूरी थी। जैसे हमारे बालकृष्ण अभी गा रहे थे, क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने, धान उगाना ही पाप था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये किनकी कहो, तेलंगाना जनता को याद डालो कि टूटा हुआ राइस खाओ। ये है मर्यादा, भारत सरकार का यही नीति है। जो भी एक न्यायिक मांग लेके आए, धर्म का मांग लेके आए, उसके साथ ये व्यवहार हो ऐसा हो। वो मंत्री पीयूष गोयल नहीं है, पीयूष गोलमाल है। वो समझता क्या है मुझे समझ में नहीं आता, उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। देश के कोने कोने के बारे में उनको क्या नॉलेज है, क्या बात मालूम है, हमें समझ में नहीं आता। हमारा तेलंगाना राज्य का एक अलग किस्सा है। हम अपने अलग राज्य थे, जबरदस्ती, जबकि दिल्ली सरकार ने हमको आंध्र प्रदेश में मिला दिया। आंध्र प्रदेश में मिलने के बाद कई दुख हमें झेलने पड़े। जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बनने थे वो बंद कर दिए गए, जो हमारे लिए शुरू किए गए थे कई दशकों तक उसको पेंडिंग रखा गया। किसान को ना नहर से बांध से पानी मिला, मजबूरन जमीन का पानी को ढूंढना पड़ा। आप हैरत करेंगे राकेश टिकैत जी, शायद ही तेलंगाना के मुकाबले में सारे देश में कहीं भी इतने बोरवेल नहीं होंगे। तेलंगाना राज्य में ही सिर्फ तेलंगाना राज्य में आज 30 लाख बोरवेल चलते हैं, 30 लाख। वहां के किसानों ने अपने खून पसीने की कीमत से 50,000 करोड़ के ऊपर खर्च करके इन 30,000 बोरों का खुदवाई की, लाइनों के लिए, करंट लाइन के लिए को नजरअंदाज किया, उसको बर्बाद किया। उसके बाद जमीन में पानी नीचे गया 800 फीट में, 1000 फीट में, 900 फीट में पानी मिलता था। खेत उगाओ, बीच अदर में सूख जाओ, बिजली 5-6 घंटा भी सही नहीं आता। अब क्या करे किसान। एक जिला है जी महबूबनगर, उस जिले का आबादी है 35 लाख। वहां से 20 लाख लोग पेट हाथ में लिए मजदूरी करने देश के कोने कोने में जाते थे। ये हमारा दुख था। किसानों के आत्महत्या हजारों के तादाद में, और किसानों के परी काम करने वाले जो दूसरे लोग होते वो भी बिछड़ गए। सारी ग्रामीण व्यवस्था में दुख ही दुख भर गया था, पूरे बिखर गए थे। तेलंगाना समाज में एक जबरदस्त शोक, उससे लेके तेलंगाना जनता 1956 से लेके 6 दशक तक अलग राज का मांग करते रहे। हम अलग राज मांगते हुए कई बार, कई हमारे युवा शहीद हुए। 1969 के मूवमेंट में हमारे 400 युवा पुलिस गोली के शिकार हुए, मारे गए, कई लोग, लाखों लोग जेल गए। हम कई दुख झेले थे। जब इस बार 201 में
ये गुलाबी झंडा उठा, फिर एक बार जय तेलंगाना नारा गूंजा, तो हमने काफी प्रयास करके पूरी देश के राजनीतिक दलों को समझा समझा के मना लिया। काफी मशक्कत के बाद, काफी काम करने के बाद, 14-15 साल के लगातार लड़ाई के बाद टीआरएस पार्टी को वहां सरकार चलाने का आदेश दिया। हम जब से चला रहे, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा खेती किसानी पे था। हम सारे जलाशय जो काफी कोशिशों से कई हजारों करोड़ खर्च करके हिंदुस्तान का एकलौता राज, एक ही राज है आज हिंदुस्तान में, 24 घंटा हर किसी को क्वालिटी पावर देता है। आज हम देखते हैं सारे देश में जंग, प्रधानमंत्री के खुद के गुजरात राज्य में भी किसान उमड़ पड़े हैं रोडों पे, करंट का मांग करते हुए। सारे हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन मैं फखर से कह सकता हूं एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य। हमारे तालाबें भर गई, बिजली सही हुई, 30 लाख बोर काम करने लगे, हमारे पैदावारी लाजमी है बढ़ेगी। और पीयूष गोलमाल कहते हैं, भाई क्या चमत्कार किया तेलंगाना ने। हां किया जी, चमत्कार ही किया, अगर आप नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे। जब हमारे पार्लियामेंट के नेता माननीय केशव राव जी राज्यसभा में सवाल उठाए, वो तो उनको ना समझ करार दे रहे थे। मैं पूछ रहा हूं पीयूष गोयल जी, ना समझ कौन है? हमारे केशव राव जी है, ये आप खुद में ना समझ है। कौन ना समझ है? ऐसे बातें, इतने अहंकार कहां से आए आपको? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हां चमत्कार हुआ जी, मैं कहता हूं एक मुख्यमंत्री होने के नाते 2014 और 2022 का तुलना करके देखे, तेलंगाना में सिंचाई, तेलंगाना के कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ की बढ़ोतरी आई, 1 करोड़ एकड़ की बढ़ोतरी आई। देश के प्रधानमंत्री सच्चे अच्छे ईमानदार प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते, ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य यह बनता है कि इसको सराहना चाहिए, उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे, हमको दोषी ठहरा रहे। धान उगाना ही दोष है, इस देश को अन्न देना ही देश है दोष है, क्या बात देश है। जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकायत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं, पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। टिकायत जी, जो महासंग्राम शुरू होने हैं, मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे आपको। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, कितने मुश्किल खड़ा कर दिए, कितने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद दुनिया, पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। आपने ये हालत कर दी भारत सरकार का कि प्रधानमंत्री को खुदा के माप से माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी।
हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है, जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ अन्य लोगों से भी वो माफी मांगे थे, हो सकता है बाद में भी फिर माफी मांगेंगे, यही लगता है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं,